ऐसी ही क्लासिक मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड क्लासिक और बेल आइकन को प्रेस करें। भगवान करे इनका बेटा इनको मिल जाए। ये रूप कौन है काका जी? मैं इन्हें बरसों से देखता रहा हूं। हर साल 2 जनवरी को दर्शन के लिए आते हैं। ये लोग अंबाला के रहने वाले ठाकुर हरचरण सिंह और उनकी धर्मपत्नी। 22 साल पहले की बात है, इनका बड़ा लड़का मदन कहीं खो गया, जिसका आज तक पता नहीं चला। इसलिए लोग दर्शनों के लिए आते हैं। इन्होंने ये मन्नत भी मानी है कि जब भी इनका लड़का मिल जाएगा तो इस मंदिर के कलश को ये सोने से मटवा देंगे। मिस्टर मदन, ये रहा तुम्हारा लॉकेट। आज तुम रहा किए जाते, और देखो ये दूसरी बार चोरी के जुर्म में शिमला की जेल में तुम बंद किए गए। पहली बार अपने असली नाम मदन के नाम से और दूसरी बार श्याम के नाम से। नाम बदलने से जुर्म छुप नहीं जाता। तुम अच्छे खानदान के लड़के दिखाई देते हो। बेहतर है ये बुरे काम छोड़ दो, कोई नेक काम करो। जी हाँ। आपका दिल क्या कहता है, मेरा मदन मिल जाएगा? मुझे तो विश्वास है रजनी, मदन मिलेगा जरूर। माँ, आज रात मैं घर ना आ सकूंगा। क्यों बेटे? एक खूनी का पता लगाना। तू कैसा पुलिस ऑफिसर है, खूनी का पता लगाता है पर अपने बड़े भाई का पता नहीं लगा सकता। बात दरअसल यह है माँ कि भैया का केस बहुत पुराना हो चुका है। तो उससे क्या हुआ, कोशिश तो कर। कोशिश तो कर रहा हूँ, और मैं खुद भी तो उससे मिलने के लिए बेचैन हूँ। यह खून का रिश्ता है रजनी,
सुनील चुप कैसे बैठेगा? एक ना एक दिन अपने बड़े भाई को जरूर ढूंढ निकालेगा। वो दिन कब आएगा? जब मैं मर जाऊंगी तब। रजनी, कैसी बातें कर रही हो? मैं बिल्कुल निराश हो चुकी हूँ। न जाने मेरा मदन कहाँ होगा, किस हाल में होगा। मुझे अपना यार बना लो फिर हो जाम संसार का। मुझे अपना यार बना लो फिर हो जाम संसार का। अरे आजमा के देखो दिल कैसा है दिलदार का। मुझे अपना यार बना लो फिर हो जाम संसार का। रास्तों से निकलूं एक धूम सी मचा दूं, जिन महफिलों में जाऊं वो महफिलें सजा दूं। जिन रास्तों से निकलूं एक धूम सी मचा दूं, जिन महफिलों में जाऊं वो महफिलें सजा दूं। मैं राही हूँ अलबेला और प्यासा हूँ दीदार का। मुझे अपना यार बना लो फिर हो जाऊँ संसार का। अरे आजमा के देखो दिल कैसा है दिलदार का। के जालिम सूरत ही ऐसी पाई, दिल मेरा आईना है दिल में नहीं बुराई। मेरे दिल को दिल में ले लो ऐ हीरा एतबार का। मुझे अपना यार बना लो फिर हो जाऊं संसार का। अरे आजमा के देखो दिल कैसा है दिलदार का। दरिया भी सोना सोना जब तक न हो सफीना। दुनिया की वादियों में बिन यार कैसे जीना। दरिया भी सोना सोना जब तक न हो सफीना। अरे सुन लो दुनिया वालों ये नगमा दिल के तार का। मुझे अपना यार बना लो फिर हो जाऊं संसार का। अरे आजमा के देखो दिल कैसा है दिलदार का। मुझे अपना यार बना लो फिर हो जाऊं संसार का। पानी भेज।
अब कैसे तबीयत है? क्या देख रहे हैं? तुम मदन हो ना? जी जी नहीं, मेरा नाम श्याम है। श्याम? नहीं, पिछले साल शिमला के जेल में तुमसे मुलाकात हुई थी, तुम मदन ही हो। आप शांतिलाल जी हैं। देखा शांतिलाल जी, आपकी ये क्या हालत हो गई है? अपने पापों का फल भोग रहा हूँ भाई, जेल, फाका, बीमारियां। कई बार मरने की कोशिश की मगर जिंदगी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। सब ठीक हो जाएगा शांतिलाल जी, मैं बंबई जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए। बंबई? या तुम बंबई जा रहे हो? वहां मेरी दो बेटियां रहती हैं, संगीता और सुषमा। कहाँ रहती हैं? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, मुझे घर छोड़े बहुत साल हो गए। अपने गुनाहों का बोझ उन पर लाद कर मैं एक रात चुपके से घर से निकल भागा था। शांतिलाल जी, उन दोनों को तो मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन आप मेरे साथ चलिए तो। नहीं, मैं उन्हें अपना काला चेहरा नहीं दिखा सकता, मरते दम तक एक बाप होकर मैंने अपने औलाद को क्या दिया? दुख, फाके, कर्ज। कर्जा? हाँ, 50,000 रुपए का कर्ज। 50,000 रुपए? बहुत छोटी सी रकम है शांतिलाल जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम दोनों मिलकर ये कर्ज उतार देंगे। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम उपकार ही करना चाहते हो तो इतना जरूर करना, अगर तुम्हें बंबई में कहीं संगीता और सुषमा मिल जाए तो कहना तुम्हारे बाप ने तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद दिया, और कहना ठाकुर हरचरण सिंह के कर्ज के रुपए जरूर अदा कर दें, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। शांतिलाल जी, ये तो मैं कह ही दूंगा, लेकिन आप इस हालत में कहां भटकते फिरेंगे? अब आप इत्मीनान से लेकर सो जाइए, समझा? और सुबह आपको मेरे साथ बंबई चलना, समझ गया? अब सो जाइए, आप इत्मीनान कीजिए। राम जी की। कैसी है तबीयत आज? शांतिदास जी, शांतिदास जी, अरे यहाँ हिसाब लेटे थे रात को, कहाँ गए? हिसाब वो तो चले गए, उतर गए। कहाँ उतर गए? पिछले स्टेशन। नमस्ते जी, आपका नाम संगीता है? जी नहीं। फिर सुषमा जरूर होगा? जी वो भी नहीं। नहीं, आई एम सॉरी, माफ कीजिए। ये फंगा कहीं का। सॉरी। संगीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ तो नहीं कर रही। संगीता सुनिए, अजी सुनिए, लफंगा कहीं का। मैंने कहा देखिए, मैं टैक्सी। स्टेज सेंटर, ठाकुर हरचरण, ठाकुर हरचरण सिंह, शांतिलाल।
वंडरफुल संगीता, वंडरफुल। स्टेज पर तुम्हारा इतना नाम होगा कि अखबारों में तुम्हारी तारीफ के कॉलम लिखे जाएंगे, सारे हिंदुस्तान में तुम्हारी धूम मच जाएगी। ठाकुर साहब, हम तो अपनी असली धूम उसी दिन समझेंगे जिस दिन आपसे लिया हुआ हमारे पिताजी का कर्ज उतर जाएगा। उस कर्ज को भूल जाओ सुषमा, तुम्हारे पिताजी मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, और फिर मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने तुम्हारे पिताजी को कभी कर्ज दिया भी था। लेकिन हमारा तो फर्ज है। मुझे तो उस दिन खुशी होगी जिस दिन तुम्हारी बहन स्टेज की बहुत बड़ी हीरोइन बन जाए। अगर आपकी इसी तरह दया रही तो एक दिन जरूर बन जाएगी ठाकुर साहब। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। डायरेक्टर साहब, अब सिर्फ एक हीरो की तलाश है जो संगीता के अपोजिट स्टेज पर हीरो का काम कर सके, जवान हो, हसीन हो, 6 फीट का कद हो। ठाकुर साहब, मैं भी इसी बात के इंतजार में हूँ कि अगर अच्छा सा हीरो मिल जाए तो अपने नाटक बॉयफ्रेंड की रिहर्सल जल्द से जल्द शुरू कर दूं, और आपसे दावा करता हूँ कि अगर अच्छा हीरो मिल गया तो बॉयफ्रेंड में 4 चांद लगा दूंगा। तो फिर जल्दी कीजिए, चारों तरफ इश्तहार लगवा दीजिए, अखबारों में खबर छपवा दीजिए। इश्तहार तो मैंने लगवा दिए हैं ठाकुर साहब, अखबारों में खबर आज ही भिजवा देता हूँ। दैट्स इट। कम रजनी, आज तो मजा ही आ गया। देखिए मेरी बात सुनिए, मरम्मत करवा दूंगी, चले जाओ यहाँ से। वाह शांतिलाल जी, क्या खपती औलाद पाई है आपने। वो जरा पोस्टर तो अप्रूव करते जाइए। सुनील, अभी अभी तुम्हारी माँ का हाथ चोरी हो गया। हाथ चोरी हो गया? सब के सब यहीं रोके रहो, तुम लोग इस गली में घेरा डाल दो, को भी जाने ना पाए। आया हो इंस्पेक्टर साहब? कब आए हो? हाँ जी आया, लेकिन अब भी ईमानदारी से रहने का इरादा नहीं? आप तो जानते हैं इंस्पेक्टर साहब, के इरादा हमेशा नेक रहा, लेकिन हालात की मजबूरी है जिनकी वजह से। इसी मजबूरी में जिंदगी के दिन बर्बाद कर रहे हो शाम, पता नहीं मुझे तुमसे क्यों हमदर्दी, हालांकि तुम एक जेब कतरे और मैं इंस्पेक्टर पुलिस, मगर तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक रखते हो। तुम अच्छे से काम क्यों नहीं कर लेते? पुलिस में भर्ती कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब। जरूर करवा देता, लेकिन तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत गंदा है। ये तो फर्क है इंस्पेक्टर साहब, कि इंसान के रिकॉर्ड से उसके दिल का पता नहीं चलता। मैं तुम्हारी तलाशी लेना चाहता हूँ। जरूर इंस्पेक्टर साहब, आप जिंदगी भर तलाशी लेते रहेंगे और मैं जिंदगी भर आपको तलाशी देता रहूंगा। नेक इंसान बनने की कोशिश करो। कोशिश जारी है इंस्पेक्टर साहब। जिंदगी बन जाएगी, पाप के रुपयों से जिंदगी नहीं बनती शाम, नेक रास्ते पे चलोगे तो दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। मैं इस हार को इंस्पेक्टर सुनील के हवाले। जी जी हवलदार साहब, मैं संगीता देवी का घर ढूंढ रहा हूँ। तुम संगीता देवी को जानते हो? क्या, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आपको यकीन नहीं आता क्या? चलिए हम मुझे वहां ले चलिए, मैं आपको सबूत देता हूँ। चलिए, हाँ चलो चलिए चलिए चलो चलो। हाँ हाँ, नहीं नहीं अभी अभी होता।
आप शांतिदास की बेटी हैं जी, वो मुझे ट्रेन में मिले थे, अगली संदेश भेजा। आपका नाम संगीता है? ऑफ कोर्स। कर रहे हैं? बिल्कुल सच है। कर रहे हैं? 16 नहीं, साक्षर। गुड नाइट हवलदार साहब। संगीता आप मुझे दूर रही हैं, इन्होंने मुझे लफंगा लफंगा कहकर असली लफंगा बना दिया। अगर आपने हामी ना भरी होती तो आज रात उस हवलदार साहब ना उसके साथ कटती। तो यानी कि आप यहाँ रात गुजारने आए? सुषमा, ये पिताजी के दोस्त हैं। पिताजी के दोस्त? हाँ, माफ करना। क्या? आइए बैठिए। कैसे हैं पिताजी, कहाँ मिले थे आपको? आपके पिताजी से मेरी मुलाकात ट्रेन में हुई थी, आप बेफिक्र रहिए, वो बड़े मजे में थे, बिल्कुल ठीक ठाक। आप हमारे पिताजी को साथ क्यों नहीं लाए? मैं तो साथ ला ही रहा था, लेकिन क्या अर्ज करूं, रास्ते में मेरी आंख लग गई और आपके पिताजी ना जाने कौन से स्टेशन पर उतर गए, इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या क्या बातें हुई पिताजी? आपके पिताजी से बातें तो बहुत सी हुई, लेकिन खास तौर पर वो ठाकुर साहब के कर्जे के बारे में। मैं तो खुद इसी कोशिश में, शायद आप नहीं जानते, मैं स्टेज पर सिर्फ इसलिए नाचती हूँ कि पिताजी का कर्ज उतर सके। भगवान करे आपके पिताजी का कर्ज अदा हो जाए। मैं तो इतनी बारिश में आपको संदेश पहुंचाने आया था, आप इजाजत दीजिए मैं चलूं। नमस्ते जी। खैरी, इस बारिश में आप जाएंगे कैसे? इस वक्त तो आपको टैक्सी भी नहीं मिलेगी। मैं पैदल चला जाऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। पैदल नहीं नहीं, पिताजी के दोस्त हैं, इतनी बारिश में उनका संदेशा लाए, आपको बहुत बड़ा एहसान है। इसको आप अपने घर समझिए, आज रात यहीं सो जाइए। सुषमा आप तकल्लुफ कर रही हैं, यकीन कीजिए। कंबल और तकिया ले आओ, अभी लाती हूँ। आप यकीन कीजिए मैं चला जाऊंगा घर, आप देखिए जाती हो रही है। बड़े आराम से आप सो सकते हैं। देखिए देखिए आप देखिए, आप पहले कोट उतारिए। कोट क्यों उतारू जी? आप कोट पहन कर सोएंगे? मुझे आदत है कोट पहन कर भी सो सकता हूँ मैं जी। लेकिन ये कोट गीला है, इससे आपको ठंड हो जाएगी। नहीं, मुझे ठंडी वंडी कुछ नहीं लगती, मैं तो सर्दी। आखिर बात क्या है इस कोट में, बहुत कीमती है क्या? नहीं ऐसी तो फिर कोट उतारते क्यों नहीं आप? उतार देता हूँ, कोट कहाँ से कीमती है जी, थर्ड क्लास कोट है। देखिए ये रहा कंबल और तकिया, कदर गीला हो गया आपका कोट। ये क्या कर रही हैं आप? झटक रही हूँ। जान मत झटकी, उसे पुराना कोट फट जाएगा। हम सी देंगे, अब आप सो जाइए। लेकिन इसे कहाँ ले जा रही हैं आप? सुखाने। सो जाइए सो जाइए सो जाइए, कोट गया सूखने। शानदार जी आप यहाँ सूख लीजिए, सो जाइए सो जाइए। जी मैं पानी। शुक्रिया। अगर और किसी चीज की जरूरत हो तो अभी मांग लीजिए। जी नहीं, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं होने वाली, आप इतना से सो दी। मुझे सिगरेट लेने हैं। सिगरेट मैं ला देती हूँ जी। ये लीजिए सिगरेट। शुक्रिया। अब आप सो जाइए। आपके मीठी नजर को सलाम, सलाम आपके मीठी नजर को सलाम। किया हम पे जादू असर को सलाम, ओ सलाम ओ सलाम, ओ सलाम।
ओ सलाम, ओ सलाम, सलाम आपकी मीठी नजर को सलाम। ख्यालों में लाया है तुमको, खुद हाथों से अपने बनाया है तुमको, फलक ने भी दिल में बिठाया है तुमको, हमारी जमीन पर भी लाया है तुमको। सलाम वो सुनहरी सहर को सलाम, किया हम प्रजादू असर को सलाम, ओ सलाम, ओ सलाम, ओ सलाम, ओ सलाम, सलाम आपकी मीठी नजर को सलाम। भीगा सा मौसम फिजा झूमती है, हवा मेरे दिल को मसलने लगी है, नजर क्या मिली जिंदगी मिल गई है, मेरी राह में चांदनी खिल गई है, किया हम प्रजादू असर को सलाम, ओ सलाम, ओ सलाम, ओ सलाम, ओ सलाम, सलाम आपकी मीठी नजर को सलाम। जी चाहता है ना जाऊं यहाँ से, ये घर आपका कम नहीं आसमां से, हुआ मैं तुम्हारा और आया कहाँ से, मुझे तो मोहब्बत मिली है यहाँ से, सलाम आपके संग दर को सलाम, किया हम पे जादू असर को सलाम, ओ सलाम, ओ सलाम, ओ सलाम, ओ सलाम, सलाम आपकी मीठी नजर को सलाम। सुषमा मेहमान कहाँ है? मेहमान मेरी जेब में थोड़ी हो सकता है, जहाँ सुलाया था वहीं देख लो ना, यहाँ तो सिर्फ कंबल और तकिया पड़ा है, न जाने सुबह सुबह कहाँ चला गया। अरे ये कोट, अव्वल तो रात को कोट उतारता नहीं था और अब यहीं भूल कर चला गया, अजीब आदमी है। भूल नहीं क्या, वापसी का टिकट छोड़ गया है क्या? फिर आने के लिए कोई बहाना तो चाहिए ना, तू नहीं जानती आजकल के नौजवानों को, मैंने ठीक ही कहा था वो जरूर कोई लफंगा है। तू अपनी बातों से बाज ना आना, मैं ये सोच रही हूँ कि उसका कोट कैसे वापस किया जाए, रात को हमने उसका नाम तक नहीं पूछा। कोट लेने आएगा ना
तो उसका नाम भी पूछ लेना और पता ठिकाना भी। ठाकुर हरचरण सिंह, इंस्पेक्टर सुनील। पागल मत बनो, वापस चले जाओ। इतना कीमती हार वापस कर रहे हो, जाओ इसे बेच दो, जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी। नहीं नहीं, ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है। जवान हो, मेहनत करो, कोई अच्छा काम करो, दौलत तुम्हारे कदम चूमेगी। जाओ जाओ। सुने कौन? इंस्पेक्टर सुनील है। इंस्पेक्टर साहब तो घर में है, लेकिन आप कौन है? मेरा नाम श्याम है। श्याम? लेकिन क्या है काम? काम उन्हीं से है। नहीं, लेकिन उनका हुक्म है कि आने वाले का नाम और काम पूछ के फिर मेरे पास आया करो। नाम तो बता दिया, लेकिन काम क्या है? काम बताना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं एक चोरी का हार उन्हें वापस लौटाने आया। चोरी का हार? बड़े ईमानदार मालूम होते हो। कहो श्याम, कैसे आना हुआ? इंस्पेक्टर साहब, उस दिन आपने कहा था ना कि एक नेक इंसान बनने की कोशिश करो, इसलिए आज मैं। क्या बात? मैं अपनी नेक नामी का सबूत देने आया था, लेकिन ऊपर वाले को मंजूर नहीं। ऊपर वाले को दोष मत दो श्याम। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, अगर मुझे बचपन में अपने बाप का प्यार और माँ की ममता मिली होती तो शायद आज आपके सामने मैं एक चोर और आवारा की शक्ल में नहीं आता। लेकिन तब भी ठीक है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि एक दिन मैं आपको अपनी नेक नामी का सबूत जरूर दूंगा, और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। नमस्ते। बहुत ईमानदार बनता था, बनवारी लाल को मिली लेता हूं आज। अजी ऐसा एक हार तो क्या, ऐसे सौ 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 हार आप पर कुर्बान कर सकता हूं मेरी सरकार। लेकिन इस वक्त अपनी दुकान में कोई ऐसा हार नहीं जो आपके गले की रौनक बन सके। जी जी, आपको तो बात बात पर गुस्सा आ जाता है मेरी सरकार। धत्तेरे की, ये नंबर भी गलत निकला। कोई बात नहीं, मैंने भी सोच के रखा है डार्लिंग, एक दिन तुझे साफ करके ही छोड़ूंगा। संपर्क। जी सरकार। यहाँ क्या कर रहे हो? जी जाला साफ कर रहा हूँ। जाला और तिजोरी पर? जी हाँ, बरसात का मौसम है, तिजोरी तो क्या, इंसान को भी जाला लगता है ना। पको मत, जो माता जी बुला रही है। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, कहिए कैसे हैं आप? खुश तो है ना? ओहो, जब भी आपसे बात करना चाहती हूँ कोई ना कोई काम आ ही जाता है। फिक्र मत कीजिए, अभी आकर आपसे बात करती हूँ। हेलो, मैं सुनील बोल रहा हूँ। वो तो मैं जानती हूँ जी, कोई नई बात कीजिए थानेदार साहब। आज संडे है सुषमा। ये भी तो पुरानी बात है, मंडे होता तो क्या फर्क पड़ जाता। मेरा मतलब है आज मुझे छुट्टी है, कहाँ मिलोगी? आज मैं नहीं मिल सकती, कोई और सेवा बताइए थानेदार साहब। तुम भी कमाल करती हो, हफ्ते में एक दिन तो मुझे फुर्सत मिलती है। तो मैं क्या करूं जनाब, मैं आपका सिपाही तो हूं नहीं, मुझे भी तो फुर्सत मिलनी चाहिए। मेरा इम्तिहान सर पे है, मुझे पढ़ना है। एक दिन से कुछ नहीं होगा सुषमा। मगर मैंने तो आज संगीता के साथ शॉपिंग का प्रोग्राम बनाया है। प्रोग्राम कैंसिल भी तो हो सकता है। आप भी तो कैंसिल हो सकते हैं। क्या कहा, क्या कहा? मुलजिम पकड़ा गया, पंचनामा तैयार करके हवालात में डाल दिया जाए। मैं शाम को 4 बजे आऊंगा, समझे हवालदार? हवालदार? ये क्या उलटपटांग शुरू कर दी आपने? मैं फारसी तो नहीं बोल रहा, कहा ना 4 बजे आऊंगा, घर पे मेरा इंतजार करना। क्या कहा? क्या कहा निर्मला? तुम्हारी माँ की टांग टूट गई। अरे रे रे रे। और पिताजी भी घर पे नहीं है, अब क्या होगा? ऐसा करो तुम जल्दी से उन्हें अस्पताल में पहुंचा दो, और देखो मैं घर पे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना। हाँ प्लीज जल्दी आना। तुमने तो आज मेरे साथ शॉपिंग पर चलने का प्रोग्राम बनाया था। हाँ हाँ हाँ, बनाया तो था, मगर अब तुम ही बताओ क्या करूँ। निर्मला की माँ की टांग टूट गई। निर्मला की माँ की टांग टूट गई? हाँ। तो वो मुझे घर पे लेने आ रही है। तो मैं ऐसा करती हूँ, आज मैं भी शॉपिंग पर नहीं जाती। क्या कहा? हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम घर पे बैठो, मैं शॉपिंग करके आती हूँ। निर्मला आएगी, उसके साथ अस्पताल चली जाना। हाँ समझ गई। क्या समझ गई? मैं यही समझ गई कि तुम निर्मला की माँ की टूटी हुई टांग देखने जाओ, मैं शॉपिंग पर जाऊँ।
ठीक है ना? चल जल्दी। अरे शाम अपने माल की चीजें खरीद रहा। कब आए तुम? छोकरा स्पेशल कॉफी लाओ। शहर में तो कल ही आ गया था सेठ, लेकिन अपने कमरे में आज ही पहुंचा। हाँ अरे याद, ये आपके कैसे रुपए? अरे ये पिछले साल का हिसाब है, 75 रुपए, इसमें से कुछ रख लीजिए, कुछ वापस कर दीजिए। अरे खूब याद रखते हो, दे देना अगले साल इकट्ठे ही। बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एंगल तुम्हारा टेढ़ा सेठ। मतलब क्या? मतलब ये है कि तुम्हारा सजा सजाया कमरा साल भर खाली पड़ा रहता। करेक्ट। मुझे दे दो, इस साल मुझे अपने बेटे की शादी करनी है। और सेठ अगर इस साल मेरा शादी करने का इरादा हो तो तुम मेरा होटल ले लो। सेठ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इस साल मैं जरूर शादी करूंगा। अच्छा लड़की का नाम पता तो बताओ, उसके माँ बाप से तो मिल लूँ। अरे सेठ तुम्हें लड़की के माँ बाप की फिक्र पड़ी है? या मैं तो लड़की से पूरी तरह वाकिफ होकर उसका नाम पता खुद तो जान लूँ, फिर मैं अभी आया सेठ। अरे संगीता बहुत जल्द चाहिए एक हसीन लंबा नौजवान जो हमारे नाटक बॉयफ्रेंड में हमारी नई खोज संगीता के साथ काम करे। मिलिए ठाकुर हरचरण सिंह। जनाब मुझे लड़की नहीं लड़का चाहिए, लड़का जो हमारी संगीता के मुकाबले बतौर हीरो पेश किया जा सके। जवान हो, हसीन हो, 6 फुट लंबा कद। हसीन, जवान, 6 फुट कद, मैं हाजिर। क्या मैं बैठ सकता हूँ? बैठिए। आपका नाम? अजी नाम तो काम के बाद होगा, फिलहाल गुमनाम हूँ, वैसे लोग मुझे शाम कहते हैं। शाम? पहले भी कभी स्टेज पर काम किया है? अजी ये भी कोई पूछने की बात? वैसे आम आदमी आपसे कहेगा कि वो दिलीप कुमार, राज कपूर, देवनंद की एक्टिंग कर सकता है, लेकिन अपनी एक्टिंग का दर्जा जरा ऊंचा है। मैं कालिदास के दुष्यंत, शेक्सपियर का ओथेलो और जूलियस सीजर का ब्रूटस, जिसे रोम की गलियों से इश्क था, सीजर की दोस्ती से नहीं। नाचना भी जानते हो क्या? अजी नाचने का तो ये अंदाज है कि मणिपुरी नाचूं तो फिजा मस्त और महफिल झूम उठे, तांडव नाचूं तो लोगों पर सत्ता छा जाए, और यकीन जानिए कि रॉक एंड रोल नाचूं तो दुनिया को पागल कर दूं, और गाने का तो ये तेवर है कि हल्का फुल्का चीनी, जापानी, रूसी, ईरानी सब कुछ जानता हूं। कुछ और पूछ कर देखिए। बहुत खूब, और क्या पूछना है, लेकिन जो कुछ तुमने कहा है तुम्हें उसका टेस्ट देना होगा। हाथ कंगन को हाथ से क्या मैं तैयार हूँ, कहिए क्या पेश करूँ, अदाकारी के अंदाज, गाने की तान या नाच के तोड़े? यहाँ नहीं, तुम्हें डांस मास्टर के पास जाना होगा। मंजूर है जी डांस मास्टर, हाजिर है सरकार। आइए डांस मास्टर साहब, आइए आइए। मुझे अपना यार बना लो फिर हो जाम संसार का, मुझे अपना यार बना लो फिर हो जाम संसार का, अरे आजमा के देखो दिल कैसा है दिलदार का, मुझे अपना यार बना लो फिर हो जाम संसार का। मैं राही हूँ अलबेला और प्यासा हूँ दीदार का, मुझे अपना यार बना लो फिर हो जाऊँ संसार का, अरे आजमा के देखो दिल कैसा है दिलदार का। ऐसी पाई दिल मेरा
मुझे अपना यार बना लो, फिर हो जाऊं संसार का। अरे आजमा के देखो दिल कैसा है दिलदार का। जिसकी हमें तलाश थी आज वो हमें मिल गया। तुम्हें तो सारी जिंदगी के लिए साइन कर लेना चाहिए। संगीता, इनसे मिलो, ये है हमारे नए हीरो मिस्टर श्याम। नमस्ते। क्या जोड़ी है ठाकुर साहब, इतना हसीन कपल आज तक किसी ने स्टेज पर पेश नहीं किया। डायरेक्टर साहब, आप बॉयफ्रेंड की रिहर्सल शुरू कीजिए, हमारे नाटक का पहला शो शिमले की स्टेज पर होगा। बहुत अच्छे ठाकुर साहब, मैं आपको दावे से कहता हूँ कि संगीता और श्याम की जोड़ी शिमला की रंगीन वादियों में एक फलका मचा देगी और हिंदुस्तान के कोने कोने में हमारा नाटक बॉयफ्रेंड गूंज उठेगा। आप लोग शिमले की तैयारी शुरू कीजिए, संगीता तुम भी, मिस्टर श्याम तुम भी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। आप प्रणाम करती हैं संगीता देवी, जाते वक्त ना कोई सलाम दुआ ना कोई गुड बाय। माना के लंबे लोग बहुत ही बेवकूफ होते हैं, लेकिन ये बात मुझ पर बिल्कुल लागू नहीं हो सकती, क्योंकि मैं आई एम अ बॉर्न आर्टिस्ट, मैं एक बहुत ऊंचा आदमी हूँ, मैं कलाकार। अगर आप में इतनी समझ होती तो उस रात आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते। कैसा बर्ताव जी? इतनी जल्दी भूल गए? उस रात आप मेहमान बनकर आए थे, चोरों की तरह चल दिए, यही शराफत है आपकी? बस इतनी सी बात है? छी छी छी, उस वक्त कह दिया होता मैं उसी वक्त माफी मांग लेता। संगीता देवी जी, ये बात मुझे बहुत ही अच्छी है कि मैं अपनी गलती फौरन कबूल कर लेता हूँ। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। वो कोर्ट किस खुशी में आप हमारे यहाँ छोड़ा है? कोर्ट? हद करती हैं आप। संगीता देवी जी, किसी गैर के घर कोर्ट छोड़ा था मैंने? क्या आपके घर छोड़ा? आपका घर मेरा घर, मेरा घर आपका घर, कोई ऐतराज है इसमें? ऐतराज तो था बहुत सख्त, मगर अब नहीं है ना। देखिए संगीता देवी जी, आज से आपके मेरे बीच में कोई भी छोटी छोटी बातों पर ये नाराजगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज से मैं आपका पार्टनर हूँ स्टेज पर, और यकीन जानिए कि आपकी मेरी जोड़ी सारे जहां में तहलका मचा देगी। क्यों, क्या ख्याल है? ख्याल तो बहुत अच्छा है, काश सच हो जाए। देखिए, बिजली ने भी गवाही दी। आप भी तो बिजली की तरह नाचते हैं। जी, बिजली को तो मैं हर बात में मात करता हूँ, खाना पीना, चलना फिरना, घूमना, काटना। क्या? मेरा मतलब है कोट काटना, पतलून काटना, जेब काटना, नाक काटना। देखिए, मैं शहर का बहुत ही बड़ा कटर हूँ, कटर। आप बाकी बहुत मजाक करते हैं जी। अब क्या आप यहाँ रहते कहाँ? शहर के कोने कोने में। क्या मतलब? मतलब के कभी कभी ताज में, कभी नाज में, और कभी मेरिन ड्राइव, कभी नागपाड़ा, और कभी इसमें ज्यादा बाहर आ जाए तो दो ही चक्कर सरकारी घर के भी मारा था। मजाक कर रहे हैं। शायद आप पर आज तक कोई जिम्मेदारी नहीं पड़ी। जिम्मेदारी किस बात की? मैं इस जहां में अकेला आया था और अकेला ही चला जाऊंगा। शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी क्यों नहीं कर लेते? तो लड़की नहीं मिलती। अगर मिल जाए तो कर लूंगा। क्या कुछ आपकी नजर में कैसी है? बड़ी लड़की अच्छी है। बस ये तो नहीं चलेगा संगीता देवी, मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो बांस जैसे लंबी हो, भैंस जैसे मोटी हो, कौवे जैसे काली हो, अकल की बिल्कुल खोटी हो। बात दरअसल ये है कि मैं शादी वादी के लफड़े में पढ़ना ही नहीं चाहता। क्या जमाना आ गया है, जिस लड़की को देखो वो अपने बॉयफ्रेंड के पीछे भागती चली जाती है, और जिस कम लड़के को देखो वो किसी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है। अब ये भी कोई दुख की बात है क्या? दोस्ती में बुराई क्या है? दोस्ती का है की जी का मतलब है ये कि आप किसी के जज्बात से खेलना चाहते हैं? ऐसा ही समझ लीजिए। तो याद रहे श्याम बाबू, कोई भी लड़की आपकी जिंदगी में आना पसंद नहीं करेगी। आप लड़कियों को समझते क्या हैं? अरे अरे, आप चलिए ना, देखिए, अरे आप नाराज हो गए, इसमें नाराज होने की कौन सी बात है? देखिए, बात सुनिए आप, अब मेरी बात तो सुन। आई गो, आई गो,
हलकट मेला तुला डोळे ले बायकाला धक्के मारायला लाज पण नाही वाटत बेशरम कुठला अरे हे मेल्या पाटीला तर हात ना मेल्याने माझ्या गरिबाची भाजी खाणून नुकसान केली आई गो आई ग आई ग आई ग ये क्या हो गया तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया जी में आता है कि तुझे देखूं भी नहीं पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया है क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया आई ग आई ग आई ग ये क्या हो गया तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया जी में आता है कि तुझे देखूं भी नहीं पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया ये क्या हो गया ओ शहजादी बात बात में कैसी उलझन पड़ गई आज तू हम पर हो गई गुस्से कैसी आफत पड़ गई तेरे दिल की बात मैंने जान ली छम छम ये चाल पहचान ली आई गो आई गो आई गो ये क्या हो गया तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया जी में आता है कि तुझे देखूं भी नहीं पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया है क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया आई गो आई गो आई गो ये क्या हो गया हो गुस्सा लागे प्यारा एक बात ने जीता हमको एक बात से हारा झगड़ा न कर तो अरे मान जा अपना समझ तो अरे जान जा आई गो आई गो आई गो ये क्या हो गया तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया जी में आता है कि तुझे देखूं भी नहीं पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया है क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया आई गो आई गो आई गो ये क्या हो गया आई गो आई गो आई गो ये क्या हो गया आई गो आई गो आई गो ये क्या हो गया आई गो आई गो आई गो ये क्या हो गया आई गो आई गो आई गो ये क्या हो गया Thank you.
आप यहाँ कैसे? आपका बदन तो जल रहा, आपको बहुत तेज बुखार। उठिए उठिए, अंदर चलिए, उठिए। मैं आपको काम देता ढूंढता रहा। आइए यहाँ लेट जाइए, यहाँ लेट जाइए। आपकी तबीयत बहुत खराब है, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, मुझे छोड़कर न जाओ। मैं सिर्फ दो पल का मेहमान हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी संगीता और सुषमा दोनों बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। आप लेटी, मैं उन्हें अभी बुला कर लाता हूँ। नहीं नहीं, उनको न बुलवाना, मैं उनकी जिंदगी में स्याह धब्बा, पापी, आवारा, सजा याफ्ता पाप, मैं उनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे पास वक्त बहुत कम है, उनसे कहना मेरे कर्ज के सारे रुपए ठाकुर साहब को अदा कर देना। हो जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। फिक्र न करो, तुम उनकी देखभाल करोगे ना? करूंगा, ये भी कोई पूछने की बात है। आप फिक्र मत कीजिए। ये मेरी आखिरी निशानी, उनको दे देना। ये गीता जो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे पिताजी की आत्मा, और तुम्हें हमेशा यह दिलाती रहेगी कि तुम्हारा फर्ज क्या है। ध्यान दो संगीता, तुम्हारी जिंदगी एक नई मंजिल की तरफ जा रही है। तुम जानती हो कि कामयाबी शिमला के स्टेज पे तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं उस रात कितना खुश होऊंगा जिस रात तुम्हारी अदाकारी देखकर सारी पब्लिक झूम उठेगी और उनकी तालियों से सारा स्टेज गूंज उठेगा। संगीता, हिम्मत से काम करो संगीता, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज अदा हो जाएगा और उनकी आत्मा को बिल्कुल शांति मिलेगी। संगीता, श्याम बाबू ठीक कह रहे हैं। संगीता, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम आज दो कलाकारों के साथ आपके शहर शिमला में हाजिर हुए हैं। हमारे खेल का नाम है मियां बीवी, हस्बैंड एंड वाइफ। हमारा हीरो अपनी बीवी को हमेशा जाने मन के नाम से पुकारता है। फिल्मों ने नौजवानों पर बहुत ही असर किया है। हमारे नौजवान हर बात में फिल्मी हीरो बनने की नकल करते हैं, मगर हमने आज के खेल मियां बीवी में ये दिखलाना है कि हमारा एक नौजवान फिल्मी हीरो बनने का शौक रखता है और उसकी बीवी उससे रूठ जाती है और वो खाविंद होने के नाते उसे मनाना चाहता है और स्टेज पर अपनी बीवी को घर वापस लाने के लिए एक गाना गाकर मनाता है। यह है हमारा स्टेज प्ले मियां बीवी, हस्बैंड एंड वाइफ। Ha ha ha!
देखो न जाओ ऐ जाने मन, दिल ना दुखाओ ऐ जाने मन, हमसे नजर तो मिलाओ एक दफा मुस्कुराओ, देखो न जाओ ऐ जाने मन, दिल ना दुखाओ ऐ जाने मन, हमसे नजर तो मिलाओ एक दफा मुस्कुराओ, देखो न जाओ ऐ जाने मन। दिल की छुपती है क्या जो हमसे छुपाते हो तुम, मोहब्बत में दे देंगे जान किसे आजमाते हो तुम, देखो न जाओ ऐ जाने मन, दिल ना दुखाओ ऐ जाने मन, हमसे नजर तो मिलाओ एक दफा मुस्कुराओ, देखो न जाओ ऐ जाने मन। मोहब्बत बुरी चीज है तो हम भी है शायद बुरे, मगर ये शराफत है क्या कि दिल लेके चलते बने, देखो न जाओ ऐ जाने मन, दिल ना दुखाओ ऐ जाने मन, हमसे नजर तो मिलाओ एक दफा मुस्कुराओ, देखो न जाओ ऐ जाने मन, देखो न जाओ ऐ जाने मन, दिल ना दुखाओ ऐ जाने मन, दिल ना दुखाओ ऐ जाने मन। लवली संगीता मुबारक हो डायरेक्टर साहब। तुम्हें भी मुबारक हो सुषमा, आज संगीता ने स्टेज पर बहुत ही अच्छा काम किया। जी वो तो हमेशा अच्छा काम करती है, इसमें आपका क्या कमाल। डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर साहब, वो हसीन 6 फुट का नौजवान कहाँ गायब हो गया, कहीं नजर ही नहीं आता। ठाकुर साहब, वो संगीता के कमरे में होगा, और कहाँ होगा। अजी वो वहाँ नहीं है, मैं वहीं से आ रहा हूँ। मैं बताऊँ पिताजी, कहाँ है आपका हीरो, कहाँ है? नई जगह है, नई असामियों के चक्कर में गया होगा, वो अपना असली धंधा कैसे छोड़ सकता है। देखो सुनील, मैं तुम्हारे सरकारी मामलों में दखल नहीं देता, और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे बिजनेस में दखल अंदाजी दो। वो मेरा हीरो है और मैं उससे लाखों रुपए कमाना चाहता हूँ। आपको एक दिन धोखा होगा पिताजी, वो एक आवारा और बदमाश, वो एक बहुत अच्छा लड़का है। Thank you.
न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जिस वक्त मैं संगीता को स्केटिंग के लिए ले गया। मैं उसे ले गया होता नहीं उसका पांव टूटता। सोचा क्या था और क्या हो गया, ये सब मेरी वजह से हुआ सुषमा। नहीं श्याम बाबू, ये सब किस्मत की बातें हैं, होनी को कौन टाल सकता है। अगर आप इस तरह हौसला हार बैठेंगे तो बेचारी संगीता का क्या होगा। ये सब तो कहाँ है? ऊपर वाले कमरे में। संगीता, तुम इतने हैरान क्यों? नहीं, मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? मुझे मैं तो समझी थी क्या मुझे भूल गए। पगली कहीं, तुमने ऐसा सोचा ही क्यों है? जमाने का तो यही दस्तूर है, लोग चढ़ते हुए सूरज की पूजा करते हैं। अब मेरी जिंदगी में रखा ही क्या है, ना तो मैं चल सकती हूँ ना नाच सकती हूँ। तुम समझती हो कि मुझे तुम्हें नाचते हुए कदमों से प्यार था या तुम्हें थकते हो जिस्म से मोहब्बत थी? नहीं संगीता, मुझे प्यार है तुम्हारी आत्मा से। श्याम, तो क्या फिर मैं तुम्हारे लिए वही संगीता? मेरे लिए तुम हमेशा वही संगीता रहोगी जिसके साथ मैं नाचता रहा, जिसके साथ मैं गाता रहा। लेकिन श्याम, अब जिंदगी भर मैं तुम्हारे साथ स्टेज पर नहीं नाच सकूंगी। मैं तुम समझते हो कि थिएटर में मैं गाने और नाचने के लिए गया था क्या? नहीं संगीता, मैं तुम्हारे लिए गया था, सिर्फ तुम्हारे लिए। सच श्याम? मुझ पर भरोसा रखो संगीता, मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों तक तुम्हारी मदद करता रहूंगा। श्याम छोड़ दो सारे को संगीता, छोड़ दो सारे को। श्याम अच्छा हुआ तुम्हारा लकड़ी का सहारा टूट गया। अच्छा हुआ, क्यों? नहीं तो तुम्हें सहारा देने का मौका कैसे मिलता? तुम्हारा तो वैसे भी मुझे बहुत सहारा है, मेरे लिए तो तुम देवता हो। देवता? ये तुम कैसे कह सकती? मेरे बारे में तुम जानती ही क्या? तुम समझती हो मुझे तुम्हें जानने की अभी और जरूरत है। हो सकता है तुमने मुझे गलत समझा। मैं तुम्हें कभी गलत नहीं समझ सकती। इतना भरोसा कर लिया मुझ पे? भरोसा ना होता तो पाँव के गम में दम ना तोड़ दिया होता। अगर तुम्हारा पाँव फिर से ठीक हो जाए तो? मैं समझूंगी मैं सपना देख रही हूँ। ये सपना सच भी हो सकता। कैसे? नीली छतरी वाला बहुत मेहरबान, और मुझे यकीन है तुम्हारा पाँव जरूर ठीक हो जाएगा। मेरा पाँव ठीक हो जाएगा? मैं फिर से अपने आप चल सकूंगी? तुम नाच भी सकोगी। मैं फिर से नाच सकूंगी, मेरे पिताजी का कर्जा उतर जाएगा, मैं फिर से नाच सकूंगी। लाला बनवारी लाल नमस्ते। अरे श्याम, अरे मैं समझ गया भैया, तू बहुत बड़ा ईमानदार आदमी है। पिछले साल जो 100 का पत्ता उधार ले गया था वो तू आज देने आया है। और सच पूछ तो भैया आज मैं कड़का भी बहुत था। हजारों की बात कर बनवारी, हजारों की। अरे मेरे देवा, आज तो तूने बिल्कुल ही मेरी किस्मत खोल के रख दी। कुछ सोडा, कुछ लेमन, कुछ ठंडा, कुछ पानी, कुछ जो मांगे। बात सुन, असली बात सुन। सुना बनवारी? हाँ। मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। हाय, प्यार तो भैया मुझे भी हो गया। अरे होगा, लेकिन वो बीमार है। हाय, बीमार तो वो भी है। अरे होगी, मैं उसके लिए एक ऐसा तोहफा खरीदना चाहता हूँ जिससे उसकी तबीयत बहल जाए। हाय, एक बात पूछू श्याम, लड़की का रंग गोरा है कि काला? अरे गोरी है कमबख्त, चांद से भी ज्यादा गोरी है। अरे भैया, तो ये दुकान तेरी, मैं तेरा, इस दुकान की हर चीज तेरी। मैं सच कहता हूँ श्याम, तू और वो दोनों देखकर बेहोश हो जाओगे, वो चीज दिखाऊंगा तुझे। अरे जल्दी से निकाल। है?
निकालना। अभी पेश करता हूँ, जरा ठहर जा। हाँ, शाम देखेगा तो बेहोश हो जाएगा। अच्छा हाँ, अरे शाम भैया, ये हार नहीं है, कोई नूर है, कोई नूर। अरे इसमें मोती नहीं है, दिल के टुकड़े पुरो दिए हैं मैंने। क्या सोच रहा है तू अनवारी? हाँ, ये हार मैं पहले भी देख चुका हूँ। अरे हार नहीं देखा होगा पगले, डिजाइन देखा होगा, डिजाइन। मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा सकती? अरे पर मैं कब कहता हूँ कि तेरी आंखें धोखा खा सकती हैं? पर भैया ये बाजार है, 100 हार बनते हैं सुबह में और 100 के 100 शाम को बिक जाते हैं। और भैया ये धंधा जो है बड़ा सच्चाई और ईमानदारी का धंधा है। और फिर तू कोई गैर आदमी तो है नहीं जो तुझे खतरे की चीज दे दूंगा। तू बेखतर ले जा इसे, बिल्कुल बेखतर ले जा, जा ले जा। अच्छा तू कहता तो मान जाता हूँ। हाँ मान ले तू। मनवारी हाँ, क्या दाम है इसकी? अरे भैया तुझे क्या दाम बोलूं मैं, तू तो अपना आदमी है। ऐसा कर मुद्दल की मुद्दल दे जा, 2000 है। सिर्फ 2000? बिल्कुल 2000। तो उसके लिए सिर्फ 2000? अरे मैं कह तो रहा हूँ भैया 2000। बहुत नेक आदमी हो तुम। अरे मुझसे बनवारी 500 रुपए है। हाँ बस समझे। अरे हाय, संपत को टेलीफोन किए देता हूँ कि भैया तेरी 250 की रकम पड़ी है, उठा के ले जा। आप बोलते बहुत है, जरा काम की बात कीजिए। यूं तो बात कुछ भी नहीं, लेकिन बहुत बड़ी बात है। ये मकान, इस मकान का सारा सामान वैसे तो आप ही का है। आप यही कहना चाहते हैं ना, ये ठाकुर साहब के पास गिरवी है, लेकिन ये तो मुद्दत से चला रहा है मैनेजर साहब। मैनेजर साहब भी तो मुद्दत से चले आ रहे हैं संगीता देवी, लेकिन अगर बिजनेस की आनक लगा कर देखा जाए तो मैं आपके यहाँ पहली बार आया हूँ, और ये अदालत से 50,000 रुपए की डिग्री लाया। मगर हम इतने रुपए देंगे कैसे? ही यूं बात तो कुछ भी नहीं, लेकिन बहुत बड़ी बात है। अगर आपके रुपए न मिले तो ये डिग्री आप पर लागू हो जाएगी और ये मकान 24 घंटे में खाली करना पड़ेगा। जी 24 घंटे में? आप ही बताइए मैनेजर साहब, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करने के लिए हमें कुछ तो मोहलत मिलनी चाहिए। मोहलत की खूब कही, यूं तो बात कुछ भी नहीं लेकिन बहुत बड़ी बात है। अगर 50,000 पर 2,000 रुपया सूद दे दीजिए तो मैं ठाकुर साहब का एक महीने के लिए मुंह बंद कर सकता हूँ। मेरे पास इतने रुपए भी नहीं है। ये 2,000 का इंतजाम करने के लिए भी मैं आपको 4 दिन की मोहलत दे सकता हूँ। लेकिन 2-4 दिन में रुपए आएंगे कहाँ से? फिर तो मजबूरी है संगीता देवी, या तो 50,000 रुपए दे दीजिए या सूद के 2,000 रुपए, नहीं तो ये मकान खाली कर दीजिए, मैं 4 दिन के बाद हाजिर हो जाऊंगा। ट्रेड सेंटर के तमाशे बंद नहीं होंगे मास्टर जी, पर्दा उठेगा और नाटक होगा। एक संगीता के ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ठाकुर साहब, लेकिन दूसरी लड़की तलाश करने के लिए टाइम तो लगेगा। आप जल्दी तलाश कीजिए डायरेक्टर साहब, और बॉयफ्रेंड की रहस्य शुरू कीजिए। शाम तो हमारे पास है। शाम को भूल जाइए ठाकुर साहब। तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ शाम, तुम तो मेरी स्टेज के हीरो हो, और मैं तुम्हारे लिए एक नई हीरोइन तलाश कर रहा हूँ। नई हीरोइन? आपको मुबारक ठाकुर साहब। मतलब? इसका जवाब अपने दिल से पूछिए ठाकुर साहब, कहाँ गई वो हमदर्दी, कहाँ गई वो मीठी बातें जो आप संगीता के साथ किया करते थे? शाम, आपको हमदर्दी उससे नहीं, आपकी हमदर्दी उसके नाचते हुए कदमों से थी, उसके थरकते हुए पैरों से थी, जिनको आप बाजार में बेचकर लाखों रुपए पैदा करना चाहते थे, और अब जबकि वो मजबूर हो गई, आपने दूध में मक्खी की तरह उसे निकाल फेंका, और फिर अपने कर्जे का तकाजा भी ले बैठे। वाह ठाकुर साहब, क्या यही आपकी इंसानियत? श्याम, जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? जानता हूं ठाकुर साहब, एक बहुत बड़े आदमी से जो सिर्फ मासूम जिंदगियों के साथ खेलना जानता। निकल जाओ यहां से। सुनील ठीक कहता था, चोर आवारा बदमाश कहीं का। ठाकुर साहब, अगर मैं चोर हूं तो आप शराफत के पुतले हैं, अगर मैं आवारा हूं तो आप कानून के ठेकेदार, अगर मैं बदमाश चाहता तो इस तमाचे का जवाब दे सकता था। मैं कहता हूं निकल जाओ यहां से। ठाकुर साहब, मैं तो चला ही जाऊंगा, लेकिन आप याद रखिएगा, जिंदगी हजारों करवटें बदलती है, और आपकी जिंदगी किसी दिन एक ऐसी करवट बदलेगी जिसकी लपेट में आकर आप बौखला जाएंगे, आपके चेहरे का रंग पीला पड़ जाएगा, और फिर उस दिन आप उसी संगीता के पास जाएंगे जो आज आपकी बदौलत बेबस और लाचार है, और फिर उस दिन आपको ये 6 फुट का हसीन नौजवान याद आएगा। तो
फिर दुकान बेच दो मेरे प्यारे, सुबह से शाम तक फुर्सत ही फुर्सत मिलेगी। अरे आज कहीं भबा भबा भंटी कर तो नहीं आया है? माफ करना सरकार, ग्राहक फिर आ गया है। दौलत का नशा भंग से ज्यादा तेज होता है सेवक राम। आज तो मैं तुम्हारी दुकान खरीदने आया हूँ, बेचोगे? आज कोई नई मुर्गी सोच के रखा था, तिजोरी का नंबर मिल गया है। मेरे पार्टनर को आने दो, फिर देखो मेरा ठाट। ये तुम्हारे धर्म ईमान की दुकान की काया नहीं बदल दी तो मेरा नाम मिस्टर संपत नहीं। सिगार पियोगे? सिगार? तुम्हारे बाप ने भी कभी जिंदगी में सिगार नहीं पिया होगा। सेठ जी विनायत से मंगवाते, कष्ट लगाते, जूं उठोगे मेरे पहले। माफ करना, माफ करना। ये चीज है तो बहुत महंगी, लेकिन मैं आपको बहुत सस्ते में दे रहा हूँ, सिर्फ 2000 रुपए में। चीज तो वाकई अच्छी है। क्या खरीद रहे हो बेटे? काका ये हार खरीद रहा था, सिर्फ 2000 मिला। 2000? चीज तो आपकी बहुत अच्छी है, मगर हमें नहीं चाहिए। क्यों? बस आपसे मिल कर दिया ना, हमें नहीं चाहिए। मैं हार बेचना चाहता हूँ, बहुत परेशान। कितने में बेचोगे? 2000। 2000 रुपए में? इतने सस्ते में क्यों? ये मत पूछो मुझसे, मुमकिन है मेरी भी कुछ मजबूरियां होंगी, बस इसे ले लो, भाभी को दे देना, बहुत खुश होगी। तुम्हें रुपयों की सख्त जरूरत है? ले लेता हूँ। मैं अभी आया। मुझे बहुत अफसोस है शाम, मैं ये हार नहीं खरीद सकूंगा। माचिस है? नहीं इंस्पेक्टर साहब। क्या बात, आज बहुत परेशान लगते हो। इंस्पेक्टर साहब, अगर मैं भी आपकी तरह किसी लखपति बाप का बेटा होता तो यकीन जानिए मैं इसे हजारों परेशानियां यूं खत्म कर देता। सुनिए, आपने नौकरी क्यों छोड़ दी? ये आप अपने पिताजी से क्यों नहीं पूछते? आज वाकई बहुत परेशान। मुझे अपना यार बना लो फिर हो जाऊं संसार का। मुझे अपना यार बना लो फिर हो जाऊं संसार का। अरे आजमा के देखो दिल कैसा है दिलदार का। मुझे अपना यार बना लो फिर हो जाऊं संसार का। जीना दरिया भी सोना सोना जब तक न हो सफीना। दुनिया की वादियों में बिन यार कैसे जीना। दरिया भी सोना सोना जब तक न हो सफीना। अरे सुन लो दुनिया वालों ये नगमा दिल के तार का। मुझे अपना यार बना लो फिर हो जाऊं संसार का। हर आजमा के देखो दिल कैसा है दिलदार का। मुझे अपना यार बना लो फिर हो जाऊं संसार का। खाना? मुझे भूख नहीं। इतनी देर तक भूख रह भी कैसे सकती है? तुम जल्दी घर क्यों नहीं आ जाया करते? आपसे क्या बताऊं, मेरा काम ही ऐसा है। ऐसा काम छोड़ क्यों नहीं देते जो आधी रात तक तुम्हें घर से बाहर रखता है।
संगीता, पता नहीं क्या हुआ, अभी आया अभी चले गए, खाना भी नहीं खाया। वो जरूर फिक्र में होंगे, हमें वो इस तरह दुख में कैसे देख सकती हैं। अरे श्याम, तुम सेठ, तुम अपने बच्चे की शादी करना चाहते थे ना, मगर इतनी रात को। सेठ तुम मेरा कमरा ले सकते हो, उसमें जितना भी फर्नीचर है वो सब तुम्हारा, उसके एवज में सेठ मुझे सिर्फ 2000 रुपए चाहिए। बस 2000? 2000 रुपए चाहिए। ये लो सेठ, इसके जो लिखित पड़ा तुमको सिग्नेचर चाहते थे। नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, जाओ। सेठ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सेठ तुम्हारा। कितना अच्छा लड़का। रुपयों का इंतजाम नहीं हो सका, हम मकान खाली करके जा रहे हैं। तो फिर मजबूरी है, मैं आज ही बैलक को लेकर आता। बड़े शौक से, चलो सुषमा। नमस्ते। ओ तुम आ गए, तुम्हारी कसम मैं तुम्हें याद कर रहा था, मगर रात को आना, ऐसे काम दिन को नहीं हुआ करते। कैसे काम? जवाब नहीं तुम्हारा, एक ही तो काम है मेरी जान। संपत, आज मैं ठाकुर साहब से मिलने आया हूँ। ठाकुर साहब तो जिंदगी भर मिलते रहेंगे, मुझसे मिलो ना तुम। तिजोरी के मौके बार बार नहीं आते, सोच के रखा है, कहो तो आज रात को ही पाठिया गुल कर दो। कौन? जी आप कौन है? ठाकुर साहब से आपका क्या काम है? ओ, आप? जी हाँ, मैं आपकी इंसानियत का सूद देने आया हूँ। सूद? जी, 2000 रुपए संगीता देवी ने भिजवाए हैं। तो आप संगीता के वकील बनकर आए हैं? ठाकुर साहब, अगर आपके निगाह में शराफत का नाम वकालत है तो यही समझिए। ये रही आपकी रकम, रसीद मेरे हवाले कर दीजिए। संपत, 2000 रुपए की रसीद लाओ। जी सरकार। हेलो श्याम, ये रुपए कहाँ से लाए? ये चोरी का माल नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप इत्मीनान रखिए, इसे अच्छी तरह से गिन लीजिएगा ठाकुर साहब। श्याम, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर तुम्हें पिछली बातों का पछतावा है तो आज भी तुम मेरे स्टेज पर वापस आ सकते हो। ठाकुर साहब आप भूलते हैं, स्टेज आपके लिए एक बिजनेस सही, लेकिन मेरे लिए एक जज्बाती कीमत रखती है। मैं स्टेज पर लौट कर आऊंगा तो संगीता के साथ ही आऊंगा, अकेला नहीं। वो दिन अब कभी नहीं आएगा। वो दिन आएगा, और जरूर आएगा ठाकुर साहब। याद रहे, जिंदगी हजारों करवटें बदलती है, और एक दिन आपकी जिंदगी एक ऐसी करवट बदलेगी जिसकी लपेट में आकर आप अपना तमाम बिजनेस भूल जाएंगे। उस दिन आपको जज्बात की कदर होगी, और फिर उस दिन आपको ये 6 फुट का हसीन नौजवान याद आएगा ठाकुर साहब। अब आप क्या सोचते हैं पिताजी, मैंने तो इसके मुतल्लक आपसे पहले ही कहा था। तैयारी तो हो रही है संगीता, मगर हम लोग जाएंगे कहाँ? इतनी बड़ी दुनिया में कहीं तो आसरा मिल ही जाएगा। जिनका कोई नहीं होता इस दुनिया में, उनका तू होता है। रसीद सुषमा, ये देखो, न जाने कौन रख गया। सूद के 2000 रुपए की रसीद, लेकिन ये रुपए अदा किसने किए? श्याम बाबू के अलावा और कौन हो सकता है? डॉक्टर साहब, संगीता का पांव ठीक हो जाएगा ना? देखिए, केस सीरियस जरूर है, फिर भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ।
कि संगीता एक बार फिर से स्टेज पर ना सकेगी। डॉक्टर साहब अगर ऐसा हो जाए तो यकीन जानिए मैं आपका एहसान जिंदगी भर तक नहीं भूलूंगा। लेकिन श्याम बाबू, उनका पांव ठीक करने के लिए मुझे मेजर ऑपरेशन करना पड़ेगा और आपको उसके लिए काफी रुपया खर्च करना होगा। आप इसकी चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, आपको जितने भी रुपयों की जरूरत होगी मैं ला कर दूंगा। संगीता का अच्छा होना बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब। आपको कितने रुपयों की जरूरत है? कम से कम 5,000 तो होगा ही। 5,000 डॉक्टर साहब मैं लाऊंगा, मैं रुपए लाऊंगा और इलाज आपका होगा डॉक्टर साहब। लेकिन संगीता को एक बार फिर से स्टेज पर नाचना चाहिए, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है डॉक्टर साहब। तो ठीक है, आप 2 दिन के बाद सुबह 11 बजे मरीज को यहाँ ले आइएगा। मैं जरूर लाऊंगा डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड लक श्याम बाबू। थैंक यू डॉक्टर साहब। नहीं नहीं श्याम बाबू, मुझे ऐसे ही रहने दीजिए। आप मेरी उजड़ी हुई जिंदगी को कब तक संवारते रहेंगे? अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक। भीगी हवा के मेरे बुलबुल की है नींद जवां, के कहीं लाके ना किसी की उसे बद नजर, के मीठे सपनों में कोई है वो बेखबर। कि धीरे चल है भीगी हवा के मेरे बुलबुल की है नींद जवां, के कहीं लाके ना किसी की उसे बद नजर, के मीठे सपनों में कोई है वो बेखबर। कि धीरे चल है भीगी हवा के धीरे चल। कहीं है जुल्फे कहीं है, होश कहाँ है भला इस बहार में, इस बहार में। कलियों से कहते आज न चिटके, चंपा कली है सोई इंतजार में, इंतजार में। अरे हो कितनी है दिलकशी, छाई है बेखुदी हाय मेरी बेबसी। के धीरे चल अभी की हवा के मेरे बुलबुल की है नींद जवां, के कहीं लागे ना किसी की उसे बद नजर, के मीठे सपनों में कोई है वो बेखबर। के धीरे चल अभी की हवा के धीरे चल। भंवरा कहता है तुझसे ऐसी फिजा में कोई रागनी नगा, रागनी नगा। नींद के सागर टूट न जाए मेरी कसम, तुझे शोर ना मचा, शोर ना मचा। अरे हो बादल बड़े बड़े पहरे पे हैं खड़े, दिल भी तो क्या करे। धीरे चल अभी की हवा के मेरे बुलबुल की है नींद जवां, के कहीं लागे ना किसी की उसे बद नजर, के मीठे सपनों में कोई है वो बेखबर। के धीरे चल अभी की हवा के धीरे चल। शाखें झुकी हैं कैसे सुनाए कोई दिल के साज को, दिल के साज को। जब वो जगेगी किस्मत जगेगी, फिर मैं कहूँगा मेरे दिल के राज को, दिल के राज को। अरे हो आकाश चूम लूंगा, बिन पिए झूम लूंगा, दिल से नजर दूंगा। धीरे चल अभी की हवा के मेरे बुलबुल की है नींद जवां, के कहीं लागे ना किसी की उसे बद नजर, के मीठे सपनों में कोई है वो बेखबर। के धीरे चल अभी की हवा के मेरे बुलबुल की है नींद जवां, के कहीं
लगे ना किसी की उसे मद नजर, के मीठे सपनों में कोई है वो बेखबर, के धीरे चल ऐ भीगी हवा, के धीरे चल। तुम समझते हो इस हार को पहनकर मैं खूबसूरत हो जाऊंगी? नहीं तो संगीता, बल्कि तुम्हारे गले में आकर ये और भी खूबसूरत हो गया। श्याम, इतना कीमती हार लाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें किसने कहा कि ये कीमती हार? जानते इसकी कीमत क्या है? सिर्फ 2 रुपए 4 आने, फुटपाथ पर बिक रहा था, मैंने खरीद लिया। हाँ, एक बात जरूर है कि तुम्हारे गले में आकर इसकी कीमत जरूर 5,000 रुपये हो गई होगी। तुम इंसान नहीं, देवता हो। जी 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 जी, मैंने तुमसे कई बार कहा कि मुझे ये देवता व्यवता कभी ना कहा करो, और जो भी तुम्हारा जी चाहे कह दो, लेकिन देवता नहीं। तो फिर सच बात कह दो। कह दो। बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं तो सोच लो। सोच लिया। तो फिर सुनिए, आप एक बहुत बड़े चोर हैं। चोर? जी हाँ। मैंने क्या चुराया? कुछ नहीं। नहीं तो? नहीं तो? नहीं 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 तो? घबराने की क्या जरूरत है? मैं ना घबरा रहा हूँ। मैंने क्या चुराया? तुमने मेरा दिल चुराया है श्याम। ओह, आप आइए आइए धर्मेंद्र साहब, आइए। मगर आज सुबह सुबह ही। सुषमा, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछने आया। वो तो आपकी पुरानी आदत है थानेदार साहब, जिंदगी भर सवाल ही पूछते रहेंगे या कभी जवाब भी देंगे? ये मजाक नहीं सुषमा, बहुत जरूरी बात। अजी, पुलिस वालों की तो सब बातें जरूरी होती हैं, फालतू बकवास हमेशा हम लोग करते हैं। फरमाइए, क्या सवाल है आपका? श्याम का इस घर से क्या वास्ता है? श्याम बाबू का? क्यों? पहले जो मैं पूछता हूँ उसका जवाब। जवाब तू? हाँ। तो फिर सुनिए, श्याम बाबू मेरे बॉयफ्रेंड हैं। आजकल बड़ा जोरों का इश्क चल रहा है हम दोनों का। अगले महीने तो शादी है, आप आएंगे ना? सुषमा, बल्कि मैं ये कहने आया हूँ वो अच्छा आदमी नहीं है। क्यों? होगी जलन? मुसीबत तो ये है कि सारी दुनिया में सिर्फ एक आप ही अच्छे आदमी हैं, और जो हमारी मदद करे वो बुरा। तुम मेरी बात का मतलब नहीं समझती सुषमा, पुलिस की निगाहों में उसका रिकॉर्ड वाकई बहुत गंदा है। थानेदार साहब, आप श्याम बाबू के बारे में भला जानते ही क्या है? श्याम के बारे में जितना मैं जानता हूँ उतना तुम सोच भी नहीं सकती। देखिए जी, कुछ भी हो आप मेरे घर के मामले में दखल मत दीजिए। अरे अरे, आज तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? जी कोई बात नहीं, दरअसल आप उस तरफ कुरकुर कर क्या देख रहे हैं? मेरी तरफ देखिए ना। ये हार आपको कहां से मिला? ये हार मेरे लिए खरीदने का इरादा है क्या? सुषमा, आप ही बताइए, ये हार आपको किसने दिया है? क्या मतलब? ये हार चोरी का है। चोरी का है? जी हाँ, पुलिस कई दिनों से इस हार की तलाश में है। ये लीजिए अपना हार। ये तो मैं ले ही जाऊंगा, मगर ये हार इतना जरूरी नहीं जितना इसको चुराने वाला। ठीक ठीक बताइए, आपको किसने दिया ये हार? अगर मैं ना बताऊं तो मैं आप दोनों को गिरफ्तार करने पर मजबूर हो जाऊंगा। मैं नाम नहीं बताऊंगी। तुम क्यों खामोश हो? तुम्हारी ये खामोशी तुम दोनों बहनों की जिंदगी को खतरे में डाल सकती है। सुनील बाबू, भूल जाओ सुषमा कि मैं सुनील, इस वक्त मैं ड्यूटी पर आया हुआ एक इंस्पेक्टर हूँ, और जब तक ये ना जान लूँ कि किसने ये हार मेरी माँ के गले से उड़ाकर तुम्हारी बहन के गले में डाला है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ सकता। कितनी अजीब बात है, वही हार जो आपकी माँ के गले की शोभा था मेरी बहन के गले में जुर्म बनकर रह गया है। इंस्पेक्टर साहब, आपकी चीज थी, आपको वापिस मिल गई है,
अब इस बात को भगवान के लिए यही खत्म कर दीजिए। ये बात उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक इस हार के चुराने वाले को मैं जेल की सजा। मैं आपको अपनी मोहब्बत का वास्ता दे दूं। सुषमा, कानून कानून है। मुझे अदालत में मोहब्बत की दास्तानें नहीं बल्कि चोर को हाजिर करना है। समझने की कोशिश करो, मैं नहीं चाहता तुम लोगों को अदालत में जाना पड़े। बेहतर है मुझे सब कुछ बता दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। तो सुनिए, तो फिर सुनिए, वही है इंस्पेक्टर साहब जिसे आप जानते हैं। That's it. मैं पहले जानता था कि शाम के अलावा और कौन हो सकता है। शाम यहाँ आया था? नहीं माई बाप, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि आज का कई दिनों से वो इस दुकान पर नहीं आया। नहीं आया तो आएगा जरूर। अच्छी तरह कान खोल कर सुन लो, इस बार अगर उसकी इतला पुलिस को ना दी तो तुम्हारी ये धर्मीमान की दुकान हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। सर समझा। ये तुमसे जरूरी काम है, मुझे फौरन 5,000 रुपये की जरूरत है। 5,000? कभी आते हो 1,500, कभी आते हो 5,000। ये सेवक राम की दुकान है, कोई पंजाब नेशनल बैंक नहीं। सेवक राम, अगर तुम चाहो तो इंतजाम कर सकते हो। लो बोलो, अरे यही तो तुम्हारी भूल है, इंतजाम तो तुम खुद कर सकते हो। श्याम बाबू, रुपए तुम्हारे पीछे भागते हैं और तुम रुपए के आगे। संपत ने शेर जी की तिजोरी का नंबर देख लिया है, तिजोरी में लाखों रुपए हैं। अगर तुम चाहो तो आज ही रात को, समझ गए बाबू? मैं संपत को जाकर मिलता हूं। पुलिस, पुलिस। आज कौन सी चोरी की चीज देने आए हैं आप मुझे? चोरी की चीज? ये तुम क्या बोल रही हो? आप समझते हैं मैं आपके पैसे पर जान देती हूँ, आपके तोहफों से प्यार करती हूँ। आज तुम कैसी बातें कर रही हो संगीता? आपने मुझे स्टेज पर नाचने वाली एक औरत समझा है जो आपके पैसे पर सिंगार करती है, जो आपके तोहफों को गले लगाती है। मैं वो औरत नहीं हूँ श्याम बाबू। अगर मुझ पर मेरे पिताजी के कर्जे की मजबूरियां ना होती तो कभी भी इस देश पर नाच दिखाती नहीं। कोई भी शरीफ खानदान की लड़की कभी भी इस देश पर नाचना गाना पसंद नहीं करती श्याम। मगर मैंने कब ऐसे समझा कि तुम एक नाचने वाली औरत? यही तो समझा, वरना क्या वजह थी उस रात मेरे गले में चोरी का हार डाल दिया? अब खामोश क्यों हो गए? श्याम बाबू, अच्छा बदला दिया मेरे प्यार को। संगीता, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैंने वह हार चोरी नहीं किया? मैं जानता हूं कि आज तुम ये नहीं मानोगी। खैर,
मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता हूँ। श्याम नहीं, ये तो तुमने कभी समझने की कोशिश नहीं की। पुलिस इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको ऊपर नहीं जाने दूंगी। सुषमा हट जा मेरे रास्ते से, वरना शाम भाग जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, हम दो जवान लड़कियां इस घर में अकेली हैं और मैं आप लोगों को अपने बेडरूम में जाने की इजाजत नहीं दे सकती। जल्दी चला, वरना शाम भाग जाए। तुम टेरेस पे देखो, सिपाही तुम नीचे जाओ। लॉकर तुम्हें कहां से मिला? छत से। कितने अफसोस की बात है संगीता देवी, आप अब तक उसे बचाने की कोशिश कर रही हैं, इससे क्या फायदा? उसका जुर्म भी बढ़ता जाएगा और उसकी सजा भी। अगर आप सचमुच उसकी भलाई चाहती हैं, उसे पुलिस के हवाले कर दीजिए, इसमें आपकी भी बेहतरी है, शाम की भी। एक बात ना भूलिए संगीता देवी, कि शाम एक चोर आवारा बदमाश है। किस्मत बहुत अच्छी है, तुम्हें इंस्पेक्टर सुनील जैसा साथी मिला। नेक, शरीफ, एक बहुत बड़ी खानदान का। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा संगीता देवी। ये लॉकर तो मेरे बच्चे का है, मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे मदन के हाथ में था। मैं सच कहती हूँ ठाकुर साहब, बिल्कुल यही आपी ने तो इसे खरीदा था आज से 22 साल पहले। अंबानी की बात है ठाकुर साहब, अच्छी तरह याद कीजिए, जरा गौर से देखिए। कहो कैसा है? बहुत अच्छा पापा, बहुत अच्छा पापा। इसको क्या कहते हैं पापा? इसको लॉकेट कहते हैं। लॉकेट? क्या खरीद किया मदन? देख सुनील, मैंने लॉकेट लिया, लॉकेट मदन ने लॉकेट लिया, मेरे को भी लॉकेट खरीद के दो। लॉकेट? अच्छा अच्छा बेटा, तुझे भी खरीद कर दो। देखो मदन, अब तुमको लॉकेट लेकर दिया है तो सुनील को भी लेकर देना पड़ेगा। चलो आओ बेटा, आओ। अब बोलते क्यों नहीं ठाकुर साहब, आपको याद आया कि नहीं? बाप की आंखें धोखा खा सकती है, माँ की ममता नहीं। सुना तुमने सुनील, श्याम हमारा ही बेटा है। चोर आवारा जैसा भी है वो हमारा बेटा है, जाओ उसे पकड़ कर ला। मगर तुम जाओ भी ना, ठाकुर साहब सुनील से कहिए। मगर आपके सोच में पड़ गया है। मैं क्या सोचूंगा, सुनील वो चोर आवारा बदमाश मेरा ही बेटा निकला। जाओ सुनील, जाओ, जैसे भी हो उसे पकड़ कर लाओ। मैं क्या जी, सत श्री अकाल, मैं संगीता देवी नु मिलना चाहता हूँ। लेकिन आप? हमको गुरबचन सिंह कहते हैं जी, आहा शिमला से आए हैं। आप बेशक हिमालय से आइए सरदार जी, मगर आपको संगीता से क्या काम है? जी हम तो दर्शन के वास्ते आए हैं। ये गुरुद्वारा नहीं सरदार जी, आप भटक गए हैं। मैं नहीं पटका सौ पुत्री, तुम उसको पटका रही है। सौरभदी तो बहुत नटखटेगी। तमीज से बात कीजिए सरदार जी, संगीता देवी घर में नहीं है। सौरभदी तुम तो नाराज हो गई हो। ये ले, ये पढ़ की लिखे देवी। शिमला,
आपने पहले क्यों नहीं बताया? आप शिमला नाट्य कंपनी के मालिक हैं। आइए आइए। मैं क्या जी? सत श्री अकाल। आइए आइए, ये शिमला नाट्य कंपनी के मालिक हैं संगीता, तुमसे मिलने आए हैं। बैठिए 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 ना। ओ मैं तो बैठांगा, पर सौ रब जी गुरबचन सिंह तू है बड़ा पाग वाला, जिधर भी जाता है बड़ी अवगत होती है। क्यों सौपुत्री, मैं कोई झूठ बोलिया है? जी सौ रब दी सौपुत्री, मेरा नाम है गुरबचन सिंह शिमले वाला, पहचाना नहीं? अरे हाँ, मैं तो आपको शिमला होटल में मिल चुकी हूँ ना। बल्ले बल्ले, क्यों मैं कुछ झूठ बोलिया? नहीं सरदार जी, बिल्कुल नहीं। संगीता ये शिमला की बहुत बड़ी हस्ती है। बस बस सौ पुत्री, ज्यादा तारीफ चंगी नहीं होती। मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? संगीता देवी जी, सौ रब दी, हम यहाँ हाजिर हुए सेवा के लिए, आप हमें मौका दीजिए तो हमारा जीवन तो सफल हो जाए। आप कहना क्या चाहते हैं? जी कहने की क्या बात है, बात तो बहुत छोटी सी है कि हमारी कंपनी को रुपए पैसे का कोई घाटा नहीं है जी, बस मुश्किल है तो एक हीरोइन की, अगर आप हमारी कंपनी के बीच में आ जाए तो सब मुश्किल हल हो जाए, इधर आप हामी भरिए उधर हमारा बेड़ा पार। क्यों सौपुत्री, मैं कोई झूठ बोलिया? नहीं सरदार जी, बिल्कुल नहीं। गुरबचना बचपन तो खिदमत करता है लोगों की। क्यों सुपुत्री, मैं कोई झूठ बोलिया? नहीं सरदार जी, बिल्कुल नहीं। मगर इसमें तुम्हें क्या एतराज है संगीता? देखो बनती बात खुद क्यों बिगाड़ती हो? पूछो। नहीं सुषमा, मुझे डर लगता है अगर मेरा पाँव नहीं ठीक हुआ तो। ओ जी देखना, साडा काम है सौ रब दी, तुसी अपना इलाज कराओ, अपना नाम गुरबचन सिंह हैगा जी, तुसी इत्ते साइन कराओ। नहीं सरदार जी, नहीं मैं साइन नहीं करूंगी, मैं किसी को धोखे में नहीं। अजय धोखे की गल है, साडी जिम्मेदारी है, अपना नाम हैगा जी गुरबचना, तुसी परवाह ना करो, मैं कहना तुसी साइन करो, आपा थोड़ा इलाज भी करा देंगे। पुत्री बोल ना कुछ, संगीता साइन करो ना, लेकिन तुम्हारा पाँव जरूर ठीक हो जाएगा। तुसी इतनी नान रखो जी, पाँव ठीक हो जाएगा, गुरु नानक जी का नाम लेके साइन करो। बल्ले बल्ले, सौ रब दी गुरबचना, तू है बड़ा पाग वाला, जिधर भी जाता है बड़ी औभगत होती है तेरी। गुरु नानक जी, अब तो अपनी लाज आपके हाथ में है, आप लीजिए मुझसे ये 5,000 रुपया, अपना इलाज करवाइए, मैं अब आपको हॉस्पिटल के बीच में मिलूंगा। नमस्ते संगीता देवी। कौन था वो? एक नाटक कंपनी के मालिक है, संगीता के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मैंने। लेकिन आप काम कैसे करेंगी? यही तो समझने की बात है इंस्पेक्टर साहब, एक मालिक आपके पिताजी हैं सुषमा, और एक मालिक ये हैं जो संगीता के पांव का इलाज करवा रहे हैं। मुबारक हो संगीता देवी, वाकई बहुत अच्छा आदमी। आपका पाव अच्छा हो गया। ची 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 ची, गुरबचना गुरबचना, ये मालिया वाला शिमला वाला। बहुत बहुत शुक्रिया संगीता। सरदार जी आए। मैंने कहा सत श्री अकाल संगीता देवी। बैठी मुबारक हो जी, मुबारक हो। अब मेरा पाँव बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने तो आपसे पहले कह दिया सी, सड़ा ना गुरबचना सिंह जी, पाँव तो पाँव छोड़ो, ऐसे टूटा दिल भी जोड़ सकते हैं। क्यों पुत्री, मैं कोई झूठ बोलिया? नहीं सरदार जी, बिल्कुल नहीं। मैं आपका उपकार जिंदगी भर नहीं भूल सकती। ला पुत्री, इनको समझा दे, इसमें कोई उपकार उपकार की बात नहीं, संगीता देवी तो सब गुरु नानक जी की फतेह और उनकी की जीत है जी। सरदार जी बैठिए। आप सचमुच देवता है। देवता?
जी मैं कोई देवता व्यवता नहीं हूँ जी, ये तो आपकी मेहरबानी है जी, मैं तो बहुत ही गुनहगार आदमी हूँ। क्यों पुत्री मैं कोई नहीं सरदार जी, बिल्कुल नहीं। बहुत समझदार है पुत्री तू। देखो जी संगीता देवी, अब आप फटाफट फटाफट ठीक ठाक हो जाइए, ताकि आप और मैं इधर से फटाफट शिमला जाकर वहाँ फटाफट एक ऐसा खेल दे कि पब्लिक में फटाफट फटाफट धूम धूम धूमी हो जाए। मगर सरदार जी आपके स्टेज का हीरो कौन है? ना पुत्री तू फटाफट पगली हो गई है। अरे हीरो मिल जाएगा जी, हीरो मिल जाएगा, नहीं तो फटाफट जो है बचना हीरो बन जाएगा। संगीता देवी फटाफट क्या ख्याल है आप? सरदार जी आप सरदार जी कंपनी के मालिक है, सभी रोल कर सकते हैं। बल्ले आए बल्ले, तू हमारी एक ही बस यानी पुत्री है। सरदार जी वैसे तो मैं भी आपकी। छी 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 संगीता देवी, ये आप क्या फटाफट बोल गई हैं जी? सौरभी मेरी तो एक ही सौ पुत्री है जी, बड़ी सियानी कर्मा वाली। आपका तो जी मैं खा दूं, मैं थोड़ा जी बिल्कुल गुलाम लगना जी। अगर आप पे भरोसा नहीं जी तो कोरे कागज पे अंगूठा रखवा लो मुझसे जी, आपका जो जी में आए उसके अंदर भर दीजिए, मैं कोई चोट। क्या जी? कुछ नहीं होया जी, मेरा टाइम पूरा हो गया है जी, मैं जिंदगी का सौदा अभी यहाँ कर लिया है जी। अच्छा जी मुझे इजाजत दीजिए, अब मैं तानू जी शिमला के बीच में मिलूंगा जी, मैं जा रहा हूँ। शाम था कौन? शाम तुम्हारी ये धर्म ईमान की दुकान हमेशा के लिए बंद कर दूंगा सेवक राम, समझे? समझा। नमस्ते सर। सरिये काल। नमस्ते नमस्ते। Thank you.
बैठो जी, बैठो जी, मौसम किया जाएगा। वाहेगुरु जी। मुझे पहचाना ओ हो नहीं पहचाना क्यों जी मुझे पहचाना ओ हो नहीं पहचाना मैं भी दिल वाला किसी का मत वाला जरा मेरी भी सुन जाना क्यों जी मुझे पहचाना ओ हो नहीं पहचाना मैं भी दिल वाला किसी का मत वाला जरा मेरी भी सुन जाना क्यों जी मुझे पहचाना ओ नहीं पहचाना जाओ ना मेरी सूरत पर ये सब है गर्दिश का असर अंदर से कुछ और हूँ मैं आता हूँ कुछ और नजर क्यों जी मुझे पहचाना ओ हो नहीं पहचाना मैं भी दिल वाला किसी का मत वाला जरा मेरी भी सुन जाना क्यों जी मुझे पहचाना ओ नहीं पहचाना सीधी सीधी राह नहीं और मंजिल की चाह नहीं सीधी सीधी राह नहीं और मंजिल की चाह नहीं हम तो हैं प्यार के परवाने जान गई परवाह नहीं क्यों जी मुझे पहचाना ओ नहीं पहचाना मैं भी दिल वाला किसी का मत वाला जरा मेरी भी सुन जाना क्यों जी मुझे पहचाना ओ नहीं पहचाना सच्ची करता हूँ दिल है दिल पर मरता हूँ बात भी सच्ची करता हूँ गलत न समझो आज अगर सामने आते डरता हूँ क्यों जी मुझे पहचाना ओ नहीं पहचाना मैं भी दिल वाला किसी का मत वाला जरा मेरी भी सुन जाना क्यों जी मुझे पहचाना ओ नहीं पहचाना क्यों जी मुझे पहचाना ओ नहीं पहचाना श्याम बाबू श्याम बाबू श्याम बाबू दादू बच्चा हूँ पुलिस का आदमी नहीं है नहीं मैं तो मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? पंचम ने आपको बुलाए और बोला कि जल्दी आ जाइए क्या? आपको 5000 रुपए चाहिए ना भाई जब भी बोला है आसाम में तैयार है आप रोटी काट डालिए
क्या अपने भाई सेवाग्राम से कह दे कि मुझे उसके पैसों की जरूरत नहीं है। तो शाम मर चुका है, मैंने सब अपने बुरे धंधे छोड़ दिए। क्या कह दे कोई दूसरा आदमी ढूंढे, जा। लेकिन मुझे भाई मारेंगे। अगर तुम यहाँ से नहीं गया तेरा बाप तुझे मारेगा। भाई यहाँ से हट। पहले दूध तो पी लीजिए, मैं कब से खड़ी हूँ। क्या हुआ सुनील? कुछ नहीं पिताजी, आज फिर शाम मेरे हाथ से भाग निकला। फिर निकल भागा? अब क्या होगा ठाकुर साहब? माँ हमारी कोशिशें बदस्तूर जारी। हाँ अगर पिताजी चाहें तो वो जल्दी गिरफ्तार हो सकता है। ये तो मैं भी चाहता हूँ सुनील, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। आपको एक बार संगीता के पास जाना होगा। जी हाँ, उसे एक बार फिर स्टेज पर लाना होगा। संगीता को स्टेज पर लाना होगा? मगर क्यों? शाम की गिरफ्तारी के लिए। शाम की गिरफ्तारी? मगर शाम की गिरफ्तारी का इससे क्या ताल्लुक है? बहुत बड़ा ताल्लुक है पिताजी। संगीता शाम की जिंदगी बन चुकी है। उसने आज तक जो कुछ भी किया है संगीता के लिए किया है। उसी के लिए हार चुराया, उसी के घर को बचाने के लिए उसने अपना घर बेचा, हत्ता कि उसी के पांव के इलाज के लिए उसने हमारे घर में चोरी की, सिर्फ इसलिए कि स्टेज की दुनिया में संगीता एक बार फिर आ जाए। और अब जब भी संगीता स्टेज पर आएगी, शाम उसे देखने के लिए आएगा और जरूर आएगा। शाम उसे देखने के लिए आएगा और जरूर आएगा? हाँ पिताजी, आपको बेटा मिल जाएगा और मुझे मेरा मुजरिम। तुम्हें अपना मुजरिम, ठीक ही कहता था वो। जनाब याद रखिएगा, जिंदगी हजारों करवटें बदलती है और आपकी जिंदगी किसी दिन एक ऐसी करवट बदलेगी जिसकी लपेट में आकर आप बौखला जाएंगे। आपके चेहरे का रंग पीला पड़ जाएगा और फिर उस दिन आप उसी संगीता के पास जाएंगे जो आज आपकी बदौलत बेबस और लाचार है। फिर उस दिन आपको ये 6 फुट का हसीन नौजवान याद आएगा। आप उसी दिन संगीता के पास जाएंगे और फिर उसी दिन आपको ये 6 फुट का हसीन नौजवान याद आएगा। कौन? ठाकुर साहब, नमस्ते। ठाकुर साहब आइए आइए। पांव ठीक होने की मुबारक हो संगीता, तुम्हें फिर इस तरह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। खुशी आपको न होगी तो और किसे होगी? बैठिए। सुषमा, ठाकुर साहब हमारे घर आए हैं। नमस्ते। नमस्ते। अब तो किसी किस्म की तकलीफ नहीं है ना तुम्हारे पांव में? क्यों ठाकुर साहब, आपका थिएटर उदास हो गया है मेरी बहन के बगैर। अब उन बातों को भूल जाओ, मैं तो आज अपने ही काम से आया हूँ। आपने क्यों तकलीफ की ठाकुर साहब? मैनेजर साहब को भेज दिया होता, कोई दूसरा इंतजाम होते ही हम ये मकान खाली कर देंगे। मकान की बात नहीं संगीता देवी। तो फिर सूद की बात होगी, इसके अलावा हमारा और आपका रिश्ता ही क्या है? सुषमा, ठाकुर साहब हमारे घर आए हैं और घर आने वालों के साथ ऐसा सुलूक नहीं करना चाहिए। सुलूक? ये सुलूक भी तो इन्हीं का सिखाया हुआ। मगर हम ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो इनमें और हमें फर्क ही क्या रह जाएगा। अब पुरानी बातों को भूल जाओ संगीता देवी, मैं पहले भी बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे तब मालूम हुआ कि ये दुनिया बहुत ही छोटी है, सिर्फ दौलत ही काम नहीं आती, इंसान को इंसान की जरूरत पड़ ही जाती है। मैं तुमसे एक बहुत बड़ी मदद लेने आया हूँ। मदद? मैं भला किस लायक हूँ ठाकुर साहब? किस मुंह से कहूँ, तुम्हें एक बार फिर स्टेज पर आना होगा। स्टेज पर? नहीं ठाकुर साहब, मेरी बहन आपके थिएटर में नहीं नाचेगी। सिर्फ एक बार संगीता देवी, तुम मेरी टूटी हुई उम्मीदों को फिर से जोड़ सकती हो। तुम मुझ पर तो क्या मेरे खानदान पर एहसान कर सकती हो? ये बिजनेस नहीं, जरूरत है। माफ कीजिए ठाकुर साहब, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। ऐसा ना कहो, तुम्हारी एक हाँ मेरी एक ऐसी चीज को वापस ला सकती है जो मैंने 22 वर्ष पहले खोई थी। भूल जाओ कि मैं वही ठाकुर हूँ, भूल जाओ कि मैं तुमसे कोई बिजनेस करने आया हूँ, सिर्फ एक शो की तो बात है। ये लो अपने पिताजी के बकाया कर्ज की रसीद, मैंने सब कुछ वसूल पाया। अब ये मकान तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है, मुझे सिर्फ एक शो चाहिए।
एक शो। हमें कुछ नहीं चाहिए ठाकुर साहब, ये कागज का पुर्जा अपने पास रखिए, हम ये मकान छोड़ देंगे। नहीं सुषमा, ठाकुर साहब मैं एक शो के लिए नाचूंगी। ये तुम क्या कह रही हो सुषमा? अगर एक शो में नाचने से पिताजी का तमाम कर्जा खत्म हो सकता है, उनका बनाया हुआ मकान हमारे पास ही रह सकता है, तो मैं, ठाकुर साहब मैं नाचूंगी, आप जाकर शो की तैयारी कीजिए। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर ना भूलूंगा। ये लो, नमस्ते। नमस्ते। शाम आएगा और जरूर आएगा। शाम अभी तक नहीं आया इंस्पेक्टर सुनील, और मेरा ख्याल है शाम कभी नहीं आएगा। मगर संगीता तुम सीढ़ियों से फिसल कैसे गई? तुम्हें अज्ञात बरतनी चाहिए थी। डॉक्टर को फोन करो जल्दी, आए और वो यूनिकॉर्न मुझे पकड़ा दो। गजब हो गया, अब क्या होगा? ठाकुर साहब हाउसफुल हो गया है। ठाकुर साहब संगीता को क्या हुआ? ठाकुर साहब सीढ़ियों से गिर पड़ी और पांव में मोच आ गई। मोच आ गई है, अब क्या होगा? ठाकुर साहब स्टेज पर नाचेगा कौन? यही तो मैं सोच रहा हूँ। जल्दी कीजिए ठाकुर साहब, 9 बज चुके हैं, मैं पहली घंटी बजवा कर आया हूँ। आप संगीता के पास बैठिए, मैं जाकर कुछ काम करता हूँ। सुषमा क्या है ठाकुर साहब? आज भी इज्जत तुम्हारे हाथ है। इज्जत? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? संगीता के पांव में मोच आ गई। मोच? मैंने तो पहले ही कहा था ठाकुर साहब कि संगीता को अभी नहीं नाचना चाहिए, मगर आपने इतनी जिद की कि संगीता मान गई। वो तो सब ठीक है सुषमा, मगर इस वक्त संगीता की बजाय अगर तुम स्टेज पर नाचने और गाने के लिए आ जाओ तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मुझसे नहीं होगा ठाकुर साहब, कोई और लड़की ढूंढ लीजिए। तुमसे अच्छी लड़की और कौन हो सकती है सुषमा? इस वक्त मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, इसे बचा लो, वरना लोग कुर्सियां तोड़ डालेंगे, पर्दों में आग लगा देंगे। मुझे सिर्फ आज का शो चाहिए सुषमा, सिर्फ आज का ही। नहीं ठाकुर साहब नहीं, मैं स्टेज पे नहीं आऊंगी। जिस तरह संगीता ने अपने बाप का कर्जा उतारने के लिए एक शो के लिए स्टेज पर आना मंजूर किया था, उसी तरह तुम भी मुझे अपना बाप समझकर एक शो की भीख दे दो। Thank you.
आधा भर जाए। देखो ना जाए बेरहम, दिल ना दुखाओ बेरहम, हमसे नजर का मिला। देखो ना जाओ है। मिस्टर श्याम, तुम संगीता को स्टेज पर नहीं देख सके। ये मेरी बदकिस्मती है इंस्पेक्टर साहब। संगीता, संगीता, श्याम बाबू गिरफ्तार हो गए। मुझे मालूम था इंस्पेक्टर साहब कि एक दिन आप मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम बेकसूर? अगर मैं कह भी दूं तो आप कौन सा एतबार कर लेंगे? इसमें एतबार करने की कौन सी बात है? अगर तुम सच्चे थे तो उस रात संगीता के घर से क्यों भागे? कानून के डर से नहीं, किसी की मजबूर जिंदगी के लिए भागना पड़ा। क्या मतलब? अगर उस दिन मैं ना भागता इंस्पेक्टर साहब, तो हार की चोरी के इल्जाम में जो आप आज मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, आप तब गिरफ्तार कर लेते और फिर आप जानते क्या होता, संगीता जिंदगी भर के लिए अपाहिज रह जाती। अच्छा बहाना है। ये मेरी बदकिस्मती है इंस्पेक्टर साहब कि ना तो मैं कानून को खुश कर सका और ना ही अपने प्यार को। चलिए इंस्पेक्टर साहब, अपना फर्ज अदा कीजिए।
क्या नाची है, मजे ही आ गए। तो आप मदन, मेरा बच्चा, मेरे लाल, कहाँ खो गया था मेरे लाल? मैंने बरसों तेरा इंतजार किया, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, कहाँ कहाँ मन्नतें मानी तेरे लिए। पगला कहीं का, ऐसे भी कोई चला जाता है भला? अब मैं तुझे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। ठाकुर साहब, अपने बेटे से मिलिए ना, देखिए कितना बड़ा हो गया है। आपको धोखा हुआ, मेरा नाम मदन नहीं, श्याम है। तू मेरा बेटा नहीं, तू मेरा कोई नहीं। जी नहीं। फिर वो लॉकेट, वो लॉकेट कहाँ है? सुनो, इसे वो लॉकेट दिखाओ ना। ये तेरा है ना लॉकेट, जो बचपन में तेरे पिताजी ने तुझे लेकर दिया था। याद कर बेटे, याद कर मेरे लाल, याद कर। आप इससे कहिए ना, आप ही ने तो इसे खरीद कर दिया था। ये अंबाले की बात है, तू उस वक्त बहुत छोटा था। तुझे और सुनील को लेकर मैं बाजार गया था, वहीं इसे खरीद कर मैंने तुझे खुद अपने हाथों से पहनाया था। ये तेरा ही लॉकेट है ना, याद करना। आप मुझे पहचाने में भूल कर रही, मैं आपका बेटा मदन नहीं हूं। तो फिर तुझे ये लॉकेट कहां से मिला? मैंने किसी की चोरी की थी। क्या तुम ये बता सकते हो कि किसकी चोरी की थी, कौन था वो? कौन था वो? इंस्पेक्टर साहब, आप तो अच्छी तरह जानते हैं, किसी की जेब काटते वक्त कोई भी जेब कतरा उसका नाम और पता नहीं पूछता। आइए चलिए इंस्पेक्टर साहब, चलिए। आपकी मीठी नजर को सलाम, सलाम आपकी मीठी नजर को सलाम। किया हम पे जादू असर को सलाम, ओ सलाम, ओ सलाम, ओ सलाम, ओ सलाम, सलाम आपकी मीठी नजर को सलाम।
इंस्पेक्टर साहब, ठाकुर साहब के यहाँ से 5000 रुपए मैंने चुराए थे, मैंने, श्याम बाबू ने नहीं। वहार मैंने उड़ाया था इंस्पेक्टर साहब। सरकार, हुजूर का होदा पड़े, वो चोरी का हार मैंने श्याम बाबू को इन हाथों से दिया है, सलाम करता है खादिम। हाँ, और श्याम बाबू जब इंस्पेक्टर साहब को हार देने के लिए आए थे तो हार मैंने उड़ाया था, मैंने। इंस्पेक्टर, इन सब को बंद कर दो। अच्छा, अरे पगली, रोते क्यों हो? इसमें घबराने की क्या बात है? जेल से निकलते ही हमारी शादी हो जाएगी, फिर हम दोनों एक नई दुनिया बात करेंगे, एक ऐसी दुनिया जिसमें जिसमें हमारा घर होगा, हमारे बच्चे होंगे, छोटे छोटे से, काले काले से, गोरे गोरे से, कुछ तुम्हारे जैसे, कुछ मेरे जैसे। हा? क्या एक वादा करोगे? क्या बच्चों को तुम अपने जैसे नहीं बनाओगे? प्रॉमिस, कभी नहीं बनाऊंगा। ओके,